सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के कॉलर स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, यानी आप अपने फोन के कॉलर स्क्रीन को कैसे चेंज कर सकते हो। एंड्रॉयड के कॉलर स्क्रीन को हटाकर आप आईओएस के कॉलर स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ में आप बटन स्टाइल को भी बदल सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक ही बटन स्टाइल को हम देखते देखते बोर हो जाते हैं। अब आप बहुत ही आसानी से आईओएस के यानी आईफोन के बटन स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, स्लाइड करके अपनी कॉल को रिसीव कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा क्या कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है ट्रू फोन, ठीक है। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.2 की काफी अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन से भी ज्यादा बार ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा चुका है। अब चलिए मैं आपको इसके सेटअप के बारे में बताता हूं। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे फोन में एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको सिंपली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है, ठीक है। अब आपको इस एप्लीकेशन का परमिशन अलाउ करना है। काफी सारे लोग परमिशन को सही ढंग से अलाउ नहीं करते हैं, जिससे एप्लीकेशन काम नहीं करता है। आपको सबसे पहले इसको डिफॉल्ट पर सेट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस परमिशन को अलाउ कर देना है, आपको ट्रू फोन को इनेबल कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया है। अब आपको कुछ इस तरह का डायलर मिलेगा, ठीक है, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। अब आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स को ओपन करना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल स्क्रीन, ठीक है। दोस्तों, आप यहां से इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको फोटो स्टाइल पर टैप करना है, ठीक है। दोस्तों, जिसका कॉल आएगा, ठीक है, उसका फोटो कैसा दिखना चाहिए आप यहां पर सेटअप कर सकते हो, ठीक है, अपने पसंद के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ओके। तो दोस्तों, इस तरह आपको इसका सेटिंग करना है। इसके बाद आपको यहां पर सेकंड नंबर पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलेगा, एंसर स्टाइल, ठीक है। आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, काफी सारे फोन के एंसर स्टाइल मिलेंगे, ठीक है। जैसे गूगल पिक्सल हो गया, अगर आप गूगल पिक्सल का इनकमिंग कॉल स्क्रीन सेट करना चाहते हो तो आपको गूगल पर टिक करना है। तो दोस्तों, आपको गूगल का बटन स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरह स्लाइड करके अपने कॉल को रिसीव कर सकते हो। इसके बाद आपको यहां पर सेकेंड नंबर पर आईफोन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप आईफोन के बटन स्टाइल को अपने फोन में अप्लाई करना चाहते हो, इनकमिंग कॉल को सेट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको आईफोन पर टिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आपको आईफोन का बटन स्टाइल शो होगा। आप इस तरह स्लाइड करके अपने कॉल को रिसीव कर सकते हो। इसके साथ में आपको यहां पर और भी ऑप्शन मिलेंगे, हुवेई एसोस टू बटन स्टाइल, टू बटन प्लस SMS, ठीक है। तो दोस्तों, आप इनको भी अपने फोन में सेट कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई भी कॉल आएगा आपको ये बटन स्टाइल शो होंगे। इस तरह आप इनको यूज करके अपने फोन के लुक को चेंज कर सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा, आपसे पूछेगा कि यार भाई, कैसे आपने बटन स्टाइल को चेंज किया है, कैसे आपने आईफोन के बटन स्टाइल को अप्लाई किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।